रविदास विश्व महापीठ का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में न्यूज इंडिया के ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा का भी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने पगड़ी पहनाकर मंच पर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष विजय सापरा से न्यूज इंडिया के दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा ने खास बातचीत की। दिल्ली के विज्ञान भवन में हम हैं और यहाँ श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का कार्यक्रम चल रहा है। मेरे साथ है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष विजय सापला। आइए उनसे जानते हैं। सापला जी, आप कार्यक्रम में हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अगर गुरु रविदास महाराज जी के उनके जीवन की सभी वाणी को देखें तो उसमें विशेष रूप से व्यक्ति का कैसा किरदार होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए और राजनीति में लोगों का क्या उनका दायित्व रहना चाहिए, उन्होंने हर क्षेत्र में सामाजिक, व्यक्तिगत, समाज, धार्मिक और साथ में राजनीतिक रूप से कैसा होना चाहिए, ये सभी में हमें उपदेश दिया। और अगर हम उनके उपदेशों पर चलें तो देश, समाज और व्यक्ति में बहुत उन्नति के जो आगे सौभाग्य प्राप्त होंगे। और उस अच्छा, आप कई विभिन्न पदों पर रहे और अब एससी आयोग के चेयरमैन बन गए और आज इस कार्यक्रम में हैं, तो न्यूज इंडिया के माध्यम से देश के अनुसूचित जाति समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या मैसेज है आपका? जहाँ तक आयोग का काम है, वो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहा अन्याय, उसमें न्याय दिलवाना इसका विशेष रूप से काम है। और जहाँ तक अगर आज के उपलक्ष्य में देखें तो उनकी वाणी के देखें तो ये समस्या आनी नहीं चाहिए, मगर फिर भी सामाजिक में, समाज में जो एक नफरत का भाव सदियों से चला है उसको मिटाने में समय लगता है और किसी से अन्याय ना हो, उसका काम जो है वो आयोग का रहे है और सभी समस्त अनुसूचित जाति समाज के लिए हम काम करेंगे। और साथ साथ में ये भी कहूँगा कि सभी देशवासियों से कि हमें ये समस्या आए ही ना, कि कहीं किसी का उत्पीड़न हो ही ना, तो आयोग का काम कम से कम रहे इसमें हमें ज़्यादा खुशी होगी, मगर कहीं भी होगा तो उसमें हमारी भूमिका जो एक बनती है वो हमारा काम रहेगा और अनुसूचित जाति के लोगों को इंसाफ दिलवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये थे विजय सांपला जो कह रहे थे कि अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न ही ना हो, ऐसी उनकी प्राथमिकता रहेगी और देशवासियों से भी वो अपील करते हैं कि इसमें आयोग का सहयोग करें। वह आज के कार्यक्रम में गुरु रविदास जी की वाणी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि देश को और समाज को उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कैमरामैन अंकुश के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज इंडिया, दिल्ली।